दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल स्टडी में। दोस्तों आपका फिर मैं एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल हिमाचल स्टडी में। दोस्तों आपके लिए मैं आज जो फिर से जीव विज्ञान का पार्ट लाया हूं, दोस्तों इसमें मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस SI JVT TGT फॉरेस्ट गार्ड JOA अलाइट दोस्तों इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा सर जीव विज्ञान के, उसके कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रहे वो है फॉरेस्ट गार्ड का। दोस्तों मेरे को मैक्सिमम कमेंट आ रहे हैं कि आप फॉरेस्ट गार्ड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाए, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस छोटी सी वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम जो रहेगा ये वन लाइनर में रहेगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आंसर दिया है। दोस्तों इसमें है, जो तंबाकू की पत्तियां होती है उसे निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। दोस्तों जो अनुवांशिकी के पिता है वो ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को नोबल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज में मिला था। दोस्तों जो हरगोविंद खुराना थे उनको जो नोबल पुरस्कार मिला था वो मिला था जीन DNA से संबंधित, जो उनने खोज की थी DNA की खोज, उसमें को आपका नोबल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अगर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, और मेरे आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। और आप दोस्तों इंस्टाग्राम में हिमाचल स्टडी को फॉलो कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे वीडियो के छोटे छोटे पार्ट डालते रहता हूँ और अच्छी अच्छी पोस्ट करते रहता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों जो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों इसमें देखो राइबोसोम है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। दोस्तों जो मानव शरीर में गुणसूत्र होते हैं वो टोटल होते हैं 46, यदि आपसे पूछा जाए कि कितने जोड़े होते हैं तो आपने बोलना है 23 जोड़े होते हैं। मैक्सिमम ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, मैंने तभी आपके लिए क्वेश्चन लाया, इंपॉर्टेंट था। जो टारगेट है ये फॉरेस्ट गार्ड का है, इसमें आप पूरे इस वीडियो को पूरी देखें, कम से कम इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। दोस्तों जो चेचक का टीका है उसकी खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान 7.4 होता है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो pH मान में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं सभी, यदि आपको सभी के pH मान चाहिए, किसका कितना होता है, ब्लड का कितना होता है, यूरिन का कितना होता है, जेल का कितना होता है, मैं उसमें पूरी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि आप हमारे लिए इसकी वीडियो ज़रूर लाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में करती है। दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जो उसका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ये दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी तथा आलू तना का भूमिगत रूपांतरण है। दोस्तों मैक्सिमम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो हल्दी और आलू होता है ये क्या होता है, तना होता है, जड़ होती है, या फिर कुछ और होता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये होता है तना। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। दोस्तों जो कोशिका की खोज है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, आपको ये याद रखना है। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों नवजात बच्चों के शरीर में कितनी होती है, 300 हड्डियाँ होती है, और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनकी कितनी होती है, 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, और ये जहांग की हड्डी होती है। दोस्तों ये जो आपकी फीमर की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ये जहांग की हड्डी होती है। दोस्तों जो आपके घुटने से ऊपर होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स
स्टेपिस है जो कान में होती है दोस्तों, ये मध्य कर्ण में होती है, कान के मध्य में एक छोटी सी हड्डी होती है, इसको स्टेपिस कहा जाता है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मनुष्य की छाती में है वो 12-12 पसलियाँ होती है, यानी कि अगर पूछ जाएगी कितनी होती है, वो होती है 24। यदि पूछ जाएगी कि कितने जोड़े होते हैं, वो होते हैं 12 जोड़े। या पूछेगी दोनों तरफ कितनी कितनी होती है, फिर आपने बोलना है 12-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और फलिया को कहा जाता है। जो लाल रक्त कण होते हैं दोस्तों, ये इसका जो कब्रिस्तान किसको कहते हैं, यकृत व फलिया को। और इसका जो आरबीसी का जो क्या बोलते हैं, जन्म कहाँ होता है, वो होता है, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप मेरे को कमेंट में बताएं कि कहाँ होता है, ये आपके लिए कमेंट में बताना है कि जो लाल रक्त कण का जन्म कहाँ होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होती है। दोस्तों रक्त का थक्का जमता है, क्लॉटिंग होती है, वो विटामिन के कारण होती है। यदि आपका थक्का नहीं जमता है, इसका मतलब आपको विटामिन के की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह एवं RH तत्व की खोज कार्ल लेडस्टीनर ने की है। दोस्तों जो रक्त समूह और RH फैक्टर है, उसकी खोज किसने की है, कार्ल लेडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए यह सर्वग्राही होता है। दोस्तों जो चार रक्त समूह होते हैं, AB और O, दोस्तों ये चार ब्लड ग्रुप होते हैं, इसमें जो AB है इसको कहते हैं सर्वग्राही। दोस्तों ये सभी का खून ले सकता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए सभी का ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। दोस्तों जो ओ रक्त समूह है उसमें एंटीजन नहीं होती, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये किसी भी को भी इसका खून जो ओ रक्त होता है उसको किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। दोस्तों जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका भार 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दोस्तों जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब होता है 120/80। दोस्तों सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक होता है। इसमें दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, उसमें ऑप्शन में कई बार दिया होता है 80, 120 और फिर एक दिया होगा 120/80, तो आपको क्या करना है 120/80, जबकि 80, 120 इसका गलत है। जिसमें सिस्टोलिक पहले दिया होता है, डाइसिस्टोलिक बाद में दिया होता है। नेक्स्ट है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। दोस्तों जो हमारा मूत्र है उसका रंग हल्का पीला होता है, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, एलिसा प्रणाली डैश डैश से एड्स भी सॉरी एलिसा प्रणाली एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। दोस्तों जो एलिसा प्रणाली है उसके जो उससे जो एड्स बीमारी के जो HIV का पता लगाया जाता है एलिसा प्रणाली द्वारा, एलिसा जो टेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस के से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों जो यदि मनुष्य को टिटनेस हो जाता है तो उससे प्रभावित कौन सा अंग होता है, तंत्रिका तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। दोस्तों जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में जो ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। दोस्तों जो मनुष्य का जो रक्त है उसकी छननी कहाँ होती है, किडनी में होती है, शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि
पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों, ये मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है और ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों, जो लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि आपको अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ जाए तो आएगा थायराइड ग्रंथि। यदि पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी सिंपल पूछा जाएगा तो यकृत है। यदि पूछा जाएगा मानव शरीर की सॉरी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और अंतरस्रावी होती है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने की है। दोस्तों जो इंसुलिन है इसकी खोज वेटिंग और वेस्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों में जो रेटिना होता है, रेटिना में बनता है जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। दोस्तों हमारी आँखें होती है, आप एक दूसरे की आँखों में देखेंगे तो उसमें एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, आप किसी और की आँखों में देखेंगे जो वो जहाँ प्रतिबिंब दिखता है उसको क्या कहते हैं? रेटिना। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। दोस्तों जब आँख का जो डोनेशन होता है तो उसमें जो होता है कॉर्निया जो भाग होता है उसका डोनेट उसको डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, वो पाया जाता है 42%। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। दोस्तों जो बी और सी है ये दो ही विटामिन है जो जल में घुलनशील होती है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन से खट्टे में जैसे नींबू हो गया, आपके आंवला हो गया, जो कि खट्टी चीज़ होती है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है, ये आपको याद है सी का नाम स्कर्विक, सी से स्कर्विक। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान के जो जनक है उसको अरस्तु कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। दोस्तों जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया है। नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना।